Dawn Express, Aina Sashka. नमस्कार, द डॉन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आशा है आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। श्री रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी लेखनी के बलबूते भारत समेत पूरी दुनिया में नाम कमाया। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से भी पुकारा जाता है। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। अपनी लेखनी के दम पर ही वो नोबेल पुरस्कार को पाने में कामयाब रहे थे। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर से आज के समय में समूचा विश्व परिचित है। 7 मई 1861 को रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में हुआ था। रविन्द्रनाथ यूं तो कई बातों के लिए जाने जाते हैं, हालांकि इनमें जो विश्व प्रसिद्ध खास बात है वो यह है कि रविन्द्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं। साथ ही वे यह सम्मान पाने वाले पहले गैर यूरोपीय भी हैं। साल 1913 में उन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। टैगोर को नोबेल पुरस्कार उनकी विश्व प्रसिद्ध किताब गीतांजलि के लिए प्रदान किया गया था। बता दें कि इस किताब में कुल 157 कविताओं का समावेश है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नोबेल पुरस्कार प्रत्यक्ष रूप से नहीं लिया था, बल्कि उनकी ओर से यह सम्मान ब्रिटेन के एक राजदूत ने लिया था। फिर इसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने सौंपा गया था। रविन्द्रनाथ से जुड़ी एक खास बात यह भी है कि उनसे प्रभावित होकर ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें सर की उपाधि से सम्मानित किया गया। हालांकि टैगोर ने साल 1919 में जलियांवाला बाग कांड के बाद इस उपाधि को वापस कर दिया था। ब्रिटिश सरकार इसे लेने के लिए राजी नहीं हुई। हालांकि दूसरी ओर टैगोर भी अपनी बात पर अडिग थे। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी कलम से दो देशों को अपने राष्ट्रगान दिए। भारत के राष्ट्रगान जनमनगढ़ और हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश के राष्ट्रगान अमार सोनार बंगाल के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर ही हैं। 7 अगस्त 1941 को पंच तत्व में विलीन हो गए थे। वहीं अगली खबर, जन्माष्टमी के पर्व की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इस दिन को भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। जन्माष्टमी का पर्व संपूर्ण भारत और विदेश में भी भक्ति भाव और पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। हिंदू धर्म का यह एक प्रमुख पर्व है। जन्माष्टमी के दिन घरों में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ी झांकियां बनाई जाती हैं। इस दिन घर में झांकी सजाने से सुख समृद्धि आती है और भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का 8वां अवतार माना गया है। भगवान कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। जन्माष्टमी के दिन व्रत रखकर रात्रि के समय शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक पूजा करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है और सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस बार की जन्माष्टमी पर कृष्ण जन्म की तिथि और नक्षत्र एक साथ नहीं मिल रहे। पंचांग के अनुसार 11 अगस्त को सुबह 9:07 के बाद अष्टमी तिथि का आरंभ हो रहा है, जो 12 अगस्त को 11:17 तक रहेगी। वहीं रोहिणी नक्षत्र का आरंभ 13 अगस्त को सुबह 3:27 से लेकर 5:22 तक रहेगा। इसीलिए कुछ स्थानों पर 13 अगस्त को भी जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार जन्माष्टमी के दिन प्रतीका नक्षत्र रहेगा। इस दिन चंद्रमा मेष और सूर्य कर्क राशि में रहेंगे। इस दिन अभिजीत मुहूर्त कोई नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की पूजा का समय 12 अगस्त को रात्रि 12:05 से लेकर 12:47 तक रहेगा। वहीं अगली खबर, पूर्णा सुंदरी जैसी बेटियां ना सिर्फ परिवार बल्कि पूरे समाज के लिए एक प्रेरणा हैं। आंखों में रोशनी ना होने के बावजूद जिस तरह अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जोश, दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत से उन्होंने सफलता पाई है, युवाओं के लिए एक नजीर बन गई हैं। पूर्णा ने इस साल यूपीएससी परीक्षाओं में 286वीं रैंक हासिल की है। बता दें कि 25 वर्षीय पूर्णा दृष्टिहीन है। तैयारी के दौरान उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। उन्होंने बताया कि उनकी कई ऑडियो फॉर्म में उपलब्ध नहीं थी, लेकिन उनके परिवार ने उनका जिस तरह से तैयारी में साथ दिया उसी के कारण वो यूपीएससी परीक्षा निकाल पाई हैं। पूर्णा ने कहा कि सिविल सर्विसेज में यह मेरा 4था प्रयास है। मैं साल 2016 के बाद से सिविल सेवा एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ। इस तैयारी के बल पर इस बार मुझे ऑल इंडिया 286वीं रैंक मिली है। पूर्णा के पिता एक सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं और माँ एक होम मेकर हैं। पूर्णा ने कहा कि मेरे मम्मी पापा दोनों चाहते थे कि मैं IAS ऑफिसर बनूं। उनके पिता ने उन्हें इसके लिए तैयारी करवाई। वो बताती हैं कि जब मैं 11वीं कक्षा में थी तभी से पापा ने मेरे मन में यूपीएससी की तैयारी की बात डाल दी थी। अपनी स्कूली शिक्षा के बाद पूर्णा कॉलेज के लिए चेन्नई चली गई। पूर्णा ने बताया, कॉलेज से मैं चेन्नई में
मणिधा नयन संस्थान गई। ये एक ऐसा मंच था जिसने मुझे खुद को स्थापित करने में मदद की। अपने सिलेक्शन के बाद पूर्णा अब पूरी ऊर्जा से भरी है। वो कहती है कि परीक्षा पास करना केवल पहला कदम है, अभी तो चुनौतियां मेरा इंतजार कर रही हैं। इससे आगे मैं स्वास्थ्य शिक्षा और महिला सशक्तिकरण पर काम करना चाहती हूँ। इसी से समाज आगे बढ़ेगा। मैं सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुँचाने के लिए अपना सारा प्रयास करूँगी। वहीं अगली खबर, इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सीजन की शुरुआत से पहले बीसीसीआई की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। चीन के साथ विवाद के बीच वीवो इस साल आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर नहीं होगा। वीवो के नहीं होने की वजह से अब बीसीसीआई को नए टाइटल स्पॉन्सर की तलाश है। बीसीसीआई ने कहा कि आईपीएल 2020 के टाइटल स्पॉन्सर के लिए जल्द ही टेंडर प्रक्रिया द्वारा बोलियां आमंत्रित की जाएंगी। इस मामले से संबंध रखने वाले सूत्र ने कहा कि बीसीसीआई आईपीएल 13 के नए प्रायोजक के लिए पूरी पारदर्शिता और प्रक्रिया का पालन करेगी। सूत्र ने कहा बीसीसीआई जल्द ही आईटीवी निकालेगी। टेंडर प्रक्रिया का पालन किया जाएगा क्योंकि बोर्ड पारदर्शिता में विश्वास रखती है। इनविटेशन वीट के तहत नीलामी जीतने वाले को यूएई में 19 दिसंबर से 10 नवंबर के बीच यूएई में होने वाले आईपीएल के 13वें सीजन का प्रायोजक नियुक्त किया जाएगा। इससे पहले बीसीसीआई ने गुरुवार को आधिकारिक तौर पर वीवो के साथ साझेदारी खत्म कर दी। बता दें कि इंडियन प्रीमियर लीग का 13वां सीजन कोरोना वायरस के खतरे के बीच 19 सितंबर से 10 नवंबर तक यूएई में खेला जाएगा। हालांकि खिलाड़ियों की तैयारी के मैनेजर सभी टीमें 20 अगस्त को ही यूएई रवाना हो सकती हैं। वहीं अगली खबर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। बताया जा रहा है कि भारी बारिश की वजह से सिविल लाइन्स में स्थित दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के घर की छत गिरी। हालांकि इस घटना में किसी को चोट नहीं आई। इस घटना के बाद अब 80 साल पुरानी इस बिल्डिंग का पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों द्वारा रिव्यू फिर से शुरू हो गया है। इसके बाद ही फैसला लिया जाएगा कि सीएम केजरीवाल उस घर में रहेंगे या नहीं। जो छत गिरी है वह चैम्बर अरविंद केजरीवाल का पर्सनल चैम्बर था, जहां पर कई अहम बैठकें होती थी। राहत वाली बात यह है कि घटना के वक्त चैम्बर में कोई भी मौजूद नहीं था। रिपोर्ट में बताया गया है कि सीएम अरविंद केजरीवाल जिस घर में अभी रहते हैं वो वर्ष 1942 में बनवाया गया था। कहा जा रहा है कि इस बिल्डिंग के किसी ना किसी हिस्से में हर वक्त मरम्मत का काम चलता रहता है। बताया जा रहा है कि पिछले 3 हफ्ते दिल्ली में भारी बारिश हुई है, इसी वजह से घर के छत का हिस्सा प्रभावित हुआ होगा। सीएम के अरविंद केजरीवाल जिस घर में अभी रहते हैं वहां 4 बेडरूम और एक कार्यालय है। सीएम केजरीवाल मार्च 2015 से यहां रह रहे हैं। सिविल लाइन्स से पहले दिल्ली के सीएम तिलक लेन में एक घर में रह रहे थे। वहीं अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्कूल बंद होने के चलते इस साल घर बैठे छात्रों को निबंध प्रतियोगिता के माध्यम से स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम से जुड़ने का आह्वान किया है। आत्मनिर्भर भारत स्वतंत्र भारत विषय पर 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं कक्षा के छात्र 14 अगस्त तक 10 विषयों पर अपने विचार निबंध के रूप में invovate.mygov.in ऐसे कॉम्पिटिशन भेज सकते हैं। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत स्वतंत्र भारत थीम पर छात्रों को विभिन्न विषयों पर अपने विचार निबंध के रूप में लिखने होंगे। इसका आयोजन शिक्षा मंत्रालय और MyGOV संयुक्त रूप से हो रहा है। निबंध प्रतियोगिता में हाई स्कूल और सीनियर सेकेंडरी स्कूल के छात्रों के 2 वर्ग होंगे। इसमें NCERT नोबेल एजेंसी के रूप में सहयोग देगी। ऑनलाइन निबंध प्रतियोगिता में आत्मनिर्भर भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, अनेकता में एकता, भारत निर्भर भारत में भारतीय संविधान व लोकतंत्र की बड़ी भूमिका, भारत के 75 वर्ष, आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ता एक देश, COVID-19 और इसके बाद डिजिटल इंडिया की भूमिका, आत्मनिर्भर भारत देश के विकास में छात्रों की भूमिका, आत्मनिर्भर भारत लिंग भेद जात पात से आजादी, आत्मनिर्भर भारत जैव विविधता और कृषि उन्नति से नए भारत का निर्माण, आत्मनिर्भर भारत में मेरे कर्तव्य और जिम्मेदारी समेत अन्य विषयों पर अपने विचार लिखने होंगे। NCERT की ओर से हाई स्कूल और सीनियर सेकेंडरी वर्ग के तहत प्रतियोगिता में 30 बेहतर निबंध लेखन को राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिलेगा।
वहीं अगली खबर, भारत और पाकिस्तान के बीच में सरहद खींचे जाने के बाद से लगातार पाकिस्तान की तरफ से तस्करी की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है, चाहे हथियार हो या फिर नकली नोट। दरअसल नोटबंदी के बाद से पाकिस्तान भारतीय नए नोटों की कॉपी करने के प्रयास करता रहा है, लेकिन इसमें कामयाब नहीं हुआ। 2500 और 2000 के नए नोट की कॉपी करके भारतीय बाजारों में यह नोट खपाए जाने के लिए पाकिस्तान प्रयास कर रहा है। इसमें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का बड़ा हाथ भी है। ताजा मामला राजस्थान बाड़मेर कोतवाली और चोहटन थाना पुलिस में पकड़ा है। पाकिस्तान की तरफ से राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में नकली नोटों की खेप भेजे जाने का मामला सामने आने के बाद से पुलिस सक्रिय है। पाकिस्तान सीमा से सटे बाड़मेर के पराडिया गांव में पुलिस ने एक युवक को 6.5 लाख रुपए के नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया है। ये सभी नोट 500-500 के थे। गिरफ्तार किया गया युवक करीब 1.5 लाख रुपए बाजार में चलाने में सफल रहा है। बाड़मेर के जिला पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने बताया कि रात को चौहटन पुलिस ने गश्ती के दौरान एक संदिग्ध युवक को पकड़कर उसकी तलाशी ली। पकड़े गए युवक ने खुद का नाम अकबर खान पुत्र राणा खान बताया। पूछताछ में युवक ने बताया कि सीमा पार से करीब 8 लाख रुपए के नकली नोटों की एक खेप उसके पास आई थी, जिसमें से वह खुद 96,000 रुपए बाजार में चला चुका था। साथ ही अपने एक ई मित्र संचालक दोस्त को 56,000 रुपए के नोट बाजार में चलाने को दिए। इस तरह करीब 1.5 लाख रुपए बाजार में चलाए जा चुके हैं। पुलिस ने उससे मिली जानकारी के आधार पर 2 अन्य युवकों को भी हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। सवार डेली हंट डेली होम, धन्यवाद द डॉन एक्सप्रेस।